हेलो एवरीवन, मैं हूं मधिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मधिया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो ये कि अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है फेस पे, तो गार्नियर मिसलर वाटर, जिसका रिव्यू मैं आपके साथ कर चुकी हूँ, उससे अपने मेकअप को क्लीन कर लें। रेगुलरली यूज़ किया करें, क्योंकि वो भी आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है। जो भी पूरा दिन की गंदगी होती है, जो भी डर्ट पॉल्यूशन होता है आपके फेस पे, वो अच्छे से क्लीन कर देता है। तो मैं अपना वही क्लेंजिंग मिल्क, करंट फेवरेट 4 पम्प, और इससे अच्छे से फेस को क्लीन कर लूँगी मैं। अब फेस वॉश के लिए मैं अपना एक्नीस, इसका रिव्यू मैं आपके साथ कर चुकी हूँ। इससे मैं अच्छे से फेस को वॉश कर लूंगी। इस फेस वॉश को मैं वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब बारी आती है एक्सफोलिएटर की। एक्सफोलिएटर का ये है कि एक्सफोलिएटर कह लें या स्क्रब कह लें, इसका ये है कि आपको वीक में 2 दफ़ा तो लाजमी यूज़ करना चाहिए। चाहे सेंसिटिव स्किन हो, चाहे नॉर्मल, चाहे ऑयली कोई भी टाइप स्किन हो, लेकिन जो स्क्रब है वो लाजमी अपने स्किन रूटीन में रखें आप। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गार्नियर स्किन नेचुरल लाइट एंड रेडियंट। बस इसके बाद उसको भी वॉश कर लें। मैं इसको वॉश करने के बाद आपको मिलती हूँ। और इस बात का ध्यान रखें कि आपने अपने फेस को टॉवल के बिल्कुल रब नहीं करना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपके स्किन को हेल्दियर लुकिंग और ग्लोइंग लुकिंग बनाती हैं। अक्सर लोग रब करने लगते हैं तो उससे स्किन डैमेज होती है। ये हमारे 2-3 स्टेप हो चुके हैं, क्लिनजिंग, फेस वॉश, स्क्रब। अब बारी आती है फेस पैक की। ये क्ले मास्क है, मिंट एंड लेमन क्ले मास्क, कंट्रोल ऑयल्स एंड ब्रेक आउट्स। ये मैंने इसीलिए लिया था कि इस पर लिखा है साफ साफ बड़ा बड़ा कंट्रोल ऑयल्स एंड ब्रेक आउट्स, चूँकि ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। मेरी ऑयली स्किन है, जैसा कि आप सब जानते हैं, सेंसिटिव भी है, तो ये ऑयल को भी कंट्रोल करेगा और पिम्पल्स और एक्ने आने से भी रोकेगा। और ये बहुत ही अच्छा है, जैसे कि द बॉडी शॉप का मैंने रिव्यू किया था, उसमें भी मैंथॉल था, इसके अंदर भी मैंथॉल है। ये बड़ा कामिंग सा, सूदिंग सा इफेक्ट देता है आपके फेस पे। इसको अप्लाई कर लेते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे अच्छी बात, नो पैराबीन, ये पैराबीन फ्री है। को पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर लेती हूँ। और इसके प्राइस हैं 275 रुपीज़। बहुत ही ठंडक का एहसास होता है इसको लगाने से, जैसे द बॉडी शॉप वाला क्ले मास्क हम लगाते हैं। अच्छा, जिनकी ऑयली स्किन है और एक्नी प्रोन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, वो कोशिश किया करें कि वो क्ले मास्क यूज़ करें। इसका ड्राई होने का वेट करते हैं और इसको वॉश करने के बाद फिर मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, फेस मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। बस अब हमने टोनर अप्लाई करना है, और टोनर के लिए मैं लेवेंडर सीरीज़ का टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने मिनीसो जापान से परचेज़ किया था और ये आजकल मेरा करंट फेवरेट है। बस इस तरह से किसी भी कॉटन बॉल पर आपने ले लेना है और फेस को क्लीन कर लेना है। वैसे तो आपने इतने सारे स्टेप्स फॉलो करे हैं, लेकिन फिर भी टोनर से ये होता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है स्किन पर वो भी क्लीन हो जाता है। टोनर जो है ऑब्जर्व हो गया है। इसके बाद हमें लगाना है द बॉडी शॉप का ऑयल ऑफ लाइफ, और ये तो बेहतरीन प्रोडक्ट है द बॉडी शॉप की। बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स की तारीफ तो कितनी भी की जाए वो कम है, और ये बहुत ही बेहतरीन है।
ये जो है एसेंस है और इसके प्राइस हैं 3,3600 यानी 3,600, और इस तरह से बस थोड़ा सा यूज़ होता है, बस डैप करना है, रब नहीं करना है, और बस इसके बाद रह जाते हैं हमारे लिप्स। तो उनके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने मिनीसो जापान से ही परचेज किया था। और ये हो गई मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। उम्मीद है कि आपको मेरी स्किन रूटीन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।